डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन के अंदर जो किरदार रहा है, यानी किसी हद तक खामोशी भी रही और उसके बाद फिर ट्वीट्स भी आए, तो ठीक था जी? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी मजबूरियां हैं, जो मसलतें हैं, उनके पेश नज़र तो पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी का जो मुजाहरा किया है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लार्जर इंटरेस्ट के हक में था। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कम अज़ कम हमें जब एक क्राइम इंटरनेशनल अंडर इंटरनेशनल लॉ कमिट हुआ है, जब एक अग्रेशन हुई है जिसके नतीजे में हमारे हमसाया मुल्क के जो बड़ी कदावर शख्सियत थे उनकी असैसिनेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कम से कम फॉर्म रखने के लिए सिंपथी का एक मैसेज या ईरानियन लोगों के साथ वो अपनी सॉलिडरिटी को इजहार के नतीजे में वो हमें करना चाहिए था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर जो मैसेज चला जाता तो वो मेरे ख्याल में गुडविल का ट्वीट भी दो तीन दिन बाद आए। सिचुएशन काफ़ी हद तक डिफ्यूज हो रही थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब जो लेटेस्ट फैसला ये किया है कि वो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये कह रहे हैं कि वो ईरान का दौरा करें, यूएई भी जाएं और फिर अमेरिका भी वैसे जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी टेलीफोनिक रबते किए जरूर हैं मुख्तलिफ हमारे से, लेकिन वो उन रबतों के नतीजे में क्या ईरान के स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली आई है? और मैं तो ज़्यादातर ये कहूँगा कि इन दिस केस अमरीका के अग्रेशन के हवाले से उसको अगर मिटिगेट करना है तो अमरीका पाकिस्तान को अपना इतिहादी समझता है और वो ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी डाल रहा होगा कि किस इस तनाज़े को अगर एस्कालेट होता है तो उसमें वो अमेरिका का साथ दें। तो पाकिस्तान ने जो न्यूट्रलिटी का जो पोस्टर अडॉप्ट किया है वो उस जो टाइट रोप वॉक है उससे बचने का एक रास्ता है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अफियत इसी में है। और मैं दूसरी और आखिरी बात ही करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान को शुड नेवर ट्राई टू शूट बियॉन्ड इट्स रीच। तो देखें, पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है और उसके वजह से एग्रेशन हुई है, उसकी हमने कंडमनेशन अगर वर्बल कर देते तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर हुकूमत ने यह भी नहीं समझा कि वो इतना भी करने के लिए तैयार हैं तो ये भी बात समझ में आती है, क्योंकि जिन मौसी मजबूरियों का जिक्र किया है पाकिस्तान के वाले से। लेकिन अगर ये एस्केलेशन होती है जिसका कि इम्कान अब कम होता नजर आ रहा है, उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो कि इतनी तादाद में $20 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान को जर मुबादला कमा के भेजते हैं, उनका मुस्तकबिल भी थ्रेटन हो जाएगा। और अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, जिस तरीके से आपने इशारा भी किया कि अगर कम हुई है कल ट्रंप की स्पीच के बाद काफी इसमें कमी आई तो, लेकिन अगर ये दोबारा स्पाइक करती हैं तो वो पाकिस्तान के मौशी हालात के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हो सकता है। डॉक्टर फिर से मैंने बोल दिया कमर चीमा साहब, मुझे आप डॉक्टर ही लगते हैं बाय द वे। अच्छा, पाकिस्तान का किरदार, जैसे रफत साहब ने अभी बात की, पाकिस्तान का किरदार ठीक रहा इस सारी सिचुएशन के अंदर? और जाहिर है कि मुस्लिम उम्मा का मामला तो है, ये तमाम जितने ममालिक हैं और उनके ऊपर अगर हो रहा है इस तरह का अटैक होता है या उनके सॉइल को यूज़ किया जाता है तो अमेरिका ही करता है। चाहे आप अफगानिस्तान को देख लें, इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, यमन को देख लें, तो फिर अब अगली बारी अगर खुदा ना खास्ता ईरान की है तो फिर बाद में तो किसी की भी बारी आ सकती है। देखिए, मेरा ख्याल है ये आइडिया भी गलत है कि अगली किसी और की बारी हो सकती है और फिर पाकिस्तान की बारी हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें, इंडिया के साथ हमने तीन जंगें लड़ी जी, फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हो गई, और हम हर किस्म की जंग का हिस्सा रहे हैं हमेशा। सो हम 70-72 साल से जंगें लड़ रहे हैं जी। कोई भाई अब थोड़ा काम शाम कर लें, कोई थोड़ा बिजनेस कर लें, इकॉनमी में फोकस करें। अगले 15-20 साल आपको इकॉनमी में फोकस करना है तभी जाके हम आगे जा सकते हैं। ये कब तक हम ये इस तरह के जो एडवेंचरिज्म है उसका हिस्सा बनते रहेंगे? हाँ। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ईरान हमारा बहुत अच्छा मुस्लिम ब्रदर है, हाँ। नेबर है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट तो होनी चाहिए ना कमर साहब? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है फरूकी साहब, जो ईरान इस वक्त मिडल ईस्ट में कर रहा है या से 15 साल पहले कर रहा है, क्या वो हमसे पूछ के कर रहा है? क्या हम उनके इतिहादी हैं उनकी मिडल ईस्ट पॉलिसी के? बिल्कुल नहीं है। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जो अपने एनवायरनमेंट को देके और अपने इंटरेस्ट को देके फॉर्मुलेट कर रहे हैं। इसी तरह जो अमेरिकन मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, जो इराक में किया, जो सीरिया में, जो सारे यमन में हुआ, जो लीबिया में हो रहा है, वो हमसे पूछ के कर रहे हैं। भाई, इन सब ने अपने अपने गन डाले हुए हैं, अपने अपने गन साफ करें और हमें उसमें गैर जरूरी ना घसीटे, और हमें यह बात भी नहीं करनी चाहिए। ये जो फ्रेज चल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 होगी और कल को पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, हमको इतने
ठीक है हम खिते में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी डिफेंस की आर्मी चीफ को फोन आया, बहुत अच्छी बात है, हम सिचुएशन जैसे उन्होंने कहा एस्पर ने कहा है कि आर्मी चीफ ने अच्छी उनको सजेशन दी है। सो मेरा ख्याल है कि हम टेंशन डिफ्यूज करने की तरफ जा रहे हैं, हम किसी तरफ किसी की मदद करने को नहीं जाना चाहते, हम किसी का साथ नहीं बनना चाहते, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन करे वो भले कोई भी हो हमें उसको कंडेम करना चाहिए। देखिए स्टेट एक्टर को मारना एक और चीज होती है, नॉन स्टेट एक्टर को जैसे मैंने पहले कहा मारना एक और चीज होती है। इस तरह फिर जो जो ग्लोबल एक फ्रेमवर्क आपने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जो यूएन चार्टर है या जो ये जो एक रिलेशनशिप है स्टेट्स के दरमियान, वो सारा डैमेज हो जाएगा अगर हम रियासती अनासर को कत्ल करना शुरू कर देंगे, असैसिनेशन करना शुरू कर देंगे। सो मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया उनके अंदर डोमेस्टिक प्रेशर भी उनको उनके ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, और हम पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसमें ना हम अरब्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए हमने हम कोलालमपुर क्यों नहीं गए, इसीलिए कि हम हमें अमेरिका की जरूरत है, वो इसलिए कि हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना है, और हमें अरबों की इसलिए जरूरत है कि हमारी बहुत सारी रिटेल इकोनॉमी अरब चलाते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन होते हैं, हमारी जो रेमिटेंस वहां से आती है, सो हमारे अरबों से भी ताल्लुकात है, अमरीका से भी ताल्लुकात है। हमें सिर्फ और सिर्फ फारूकी साहब अगले 15-20 साल अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक करने चाहिए, जस्ट फोकस ऑन योर मैक्रो इकोनॉमी। ये जंगें लड़ ली हैं, जंगें वो लड़ता है, देखिए अमरीका भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अमरीका क्या वाकई हम जंगें लड़ने से फारिग हो चुके हैं, आपको लगता है ऐसा? क्यों नहीं हुए और कहां हमने लड़नी है? हम कोई अग्रेसिव है? हम तो डिफेंसिव है, हमारी तो सारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन इवन की अगेंस्ट इंडिया, हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सिर्फ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देख के बनाया क्योंकि हमारी सर्वाइवल खतरे में थी, अदरवाइज हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के लिए नहीं, हमारी मिलिट्री किसी के खिलाफ नहीं लड़ती। आयशा पाकिस्तान का किरदार सारी सिचुएशन में कितना बेहतर था? देखिए पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल किरदार अदा किया और पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, उसके पास चॉइस भी बहुत कम थी और कुछ शायद करना चाहिए भी नहीं था। मैं ओपिनियन देने से कतराती इसलिए हूँ कि मेरा काम खबर देना है, राय देना नहीं, लेकिन ईरान पाकिस्तान का एक नेबर है जिसकी एक बहुत बड़ी सरहद ईरान से मिलती है, आपके इंडिया के साथ टेंशन चल रही हैं, अफगानिस्तान की सरहद पे आपको मसाइल रहते हैं, आप एक तीसरी सरहद पे मसाइल पैदा नहीं कर सकते थे, तो जाहिर है कि आप खुलेआम अमेरिका का साथ इस तरह से नहीं दे सकते थे कि आप ईरान को एंटागनाइज कर दें। दूसरी तरफ जैसा कि अभी बात हुई कि अमेरिका की पाकिस्तान को जरूरत है, आपने आईएमएफ से पैसा लेना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क में रहना है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना है, तो आप उन्हें भी एंटागनाइज नहीं कर सकते थे। तो न्यूट्रैलिटी पाकिस्तान के लिए शायद बेहतरीन पॉलिसी भी है और शायद इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चॉइस भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर रिफत साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अगर इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर अपने कमी मफादात को पेश नज़र रखते हुए कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना सकता है, ठीक, हमारी मौशी मजबूरियाँ जिनका सभी ने जिक्र किया वो इतनी ज़्यादा हैं और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतनी ज़्यादा है और हम जब भी कोई भी बात करते हैं तो उस वक्त हम दो ममालिक की तरफ देखते हैं, एक अमरीका है और दूसरा सऊदी अरेबिया है, कि क्या इन ममालिक की तरफ से कितना पुशबैक आएगा जब भी हम कोई इंडिपेंडेंट फैसला करने की ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अवामी सेंटिमेंट को ले लें, अगर अगर हम फॉरेन पॉलिसी को ये समझें कि वो डोमेस्टिक रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, तो मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त अमेरिका के पोल कर लें वो उसके पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। एब्सोल्युटली राइट।